ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बीएसपी प्रमुख मायावती करीब 2.5 साल के बाद किसी सार्वजनिक मंच पर नजर आई। मायावती दलित समुदाय के अत्याचार या फिर उनके अधिकारों के लिए नहीं बल्कि ब्राह्मण समाज को साधने के लिए उतरी थी। पूरी रिपोर्ट देखिए। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव की बिसात 2021 में बिछ गई है। नेता लोग जनता को रिझाने के लिए नए नए वादे कर रहे हैं और इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की सत्ता से बनबास चल रही बहुजन समाज पार्टी भी अब ब्राह्मणों को रिझाने में पूरी तरह से जुट गई है। बीएसपी का मिशन 2022, ब्राह्मण वोटर्स का कितना असर, महादेव के नारे करेंगे उद्धार। जय परशुराम। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ये चारों तरफ हर हर महादेव के नारे प्रबुद्ध सम्मेलन में गूंजे। जय परशुराम। जहां आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने ब्राह्मण समुदाय के साथ साथ मुसलमानों को साधते हुए विधानसभा चुनाव मिशन 2022 का शंखनाद कर दिया। कि आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं, लेकिन इस बारे में मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि यदि हिंदुओं व मुसलमानों के पूर्वज एक ही हैं तो फिर आरएसएस व इनकी बीजेपी या हर स्तर पर मुसलमानों के साथ सोतेला रवैया क्यों अपना रही है, ये भी सोचने की बात है। पर बुद्ध वर्ग के तथा महिलाओं आदि के भी सम्मेलन करने में जुट गई है। इसके साथ ही अपनी आदत से मजबूर अब ये लोग इस वर्ग को गुमराह करने के लिए रोजाना नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि इस्तेमाल करने में लगे हैं। एकमात्र अनुयायी पार्टी वे उनके मजबूत नेतृत्व के साथ हमेशा एक चट्टान की तरह खड़े रहे हैं, जो ये हमारी पार्टी के लिए काफ़ी गर्व की भी बात है। इसके साथ ही अब मेरा अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों से भी ये वायदा है कि प्रदेश में बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों आदि की तरह इनके भी हित व कल्याण, मान सम्मान, ईमान, सुरक्षा एवं रोटी रोजी आदि का भी पूरा ध्यान जरूर रखा जाएगा। तो वही AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर हुकार भर दी है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसमें ओवैसी ने हिंदुओं को भी टिकट देने का फैसला किया। बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको खंडों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैती हैं? अब हम वोट डालेंगे, हम जीतेंगे, संविधान में इनको इजाजत है। और इसमें पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में CSDS का डेटा है 2019 का के 70% मुस्लिम्स वोटेड फॉर 70% मुसलमानों ने BSP और सपा को वोट दिया, और 50% के ऊपर हमारे हिंदू भाइयों ने BJP को वोट दिया। यूपी की सियासत में मायावती ने 2007 में ब्राह्मण समाज को तरजीह दी थी, जिसके चलते प्रदेश में ब्राह्मण वोटों का महत्व बढ़ गया। तब से जो भी दल सत्ता में आए उसमें ब्राह्मण वोटों की अहम भूमिका रही। 2022 का विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और BSP के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है।
दरअसल 2012 के विधानसभा चुनाव के बाद से जिस तरीके से बीएसपी का वोट ग्राफ नीचे गिरा है, उसके बाद से बीएसपी सुप्रीमो मायावती की चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं। ऐसे में एक बार फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती सोशल इंजीनियरिंग यानी ब्राह्मणों के सहारे ही 2022 में विधानसभा चुनाव की नैया पार लगाना चाहती हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ये रणनीति कितना कारगर साबित हो पाती है। कैमरा पर्सन सौरभ पांडे के साथ अमितेश श्रीवास्तव, खबर फास्ट, लखनऊ। उधर कानपुर में